श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक मेयर ने जिला स्तरीय सद्भावना कमेटी के सदस्यों के साथ की बैठक। पुलिस अधीक्षक मेयर श्री वरुण सिंगला ने आज अपने कार्यालय में जिला पुलिस की ओर से गठित जिला स्तरीय सद्भावना कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करना, आमजन व पुलिस सहयोग को मजबूत करना और हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के संबंध में लोगों से शांति बनाए रखने व घटना के बारे किसी भी धर्म के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी न करना था। पुलिस अधीक्षक मेयर ने जिला स्तरीय सद्भावना कमेटी बनाने का उद्देश्य बताते हुए कमेटी के सदस्यों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे जनता और अधिकारियों के बीच के फासले को खत्म करके उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सकता है। जिला स्तरीय सद्भावना कमेटी न्याय और शांतिपूर्ण समाज के लिए जनता और पुलिस के बीच शांति और भाईचारा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सद्भावना कमेटी में जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है और जिला पुलिस के साथ आमजन से तालमेल बनाने के उद्देश्य से यह कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कमेटी के सदस्यों से कहा कि बिना किसी भय दबाव के आपराधिक मामलों, अवैध शराब बेचने वालों, नशा करने, नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करने वालों की सूचना संबंधित थाना प्रबंधक, उप पुलिस अधीक्षक और मुझे सीधे फोन पर दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सद्भावना कमेटी के बारे में कहा कि इस समिति के गठन से क्षेत्र में होने वाले सामान्य अपराधों को पंचायती तरीके से निपटाया जाएगा तथा जिला में होने वाले संगीन अपराध, सांप्रदायिक अपराधों के निपटान में इस समिति का सहयोग लिया जाएगा। इस प्रकार के मामले हल किए जाने से लोगों का आपसी भाईचारा कायम रहेगा और सामाजिक ताना बाना भी मजबूत होगा। इस बैठक में सद्भावना कमेटी के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक मेयर ने समन्वय समिति में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों से अपील करते हुए हाल में राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के संबंध में लोगों से शांति बनाए रखने व घटना के बारे किसी भी धर्म के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी न करना के संबंध में सहयोग की अपील की, जिस पर सभी गणमान्य लोगों ने उपरोक्त घटना की निंदा की व आश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तथा यह भी कहा कि हम ऐसा कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं होने देंगे जिससे आपस में हमारा भाईचारा खराब हो। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त के संबंध में गलत अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने जिला पुलिस के सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त आज उपरोक्त के संबंध में सभी उप पुलिस अधीक्षकों व थाना प्रबंधकों ने अपने अपने कार्यालयों में उपमंडल स्तर की पीस कमेटी के सदस्यों की मीटिंग ली। इस मौके पर सुरक्षा शाखा इंचार्ज उप निरीक्षक राजबीर सिंह, स्टेनो प्रधान सिपाही आजाद व जिले की जिला स्तरीय सद्भावना कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। मूल जिले से बिलाल अहमद, पत्रकार की खास।